लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा। तो एक बार फिर से कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। 2300 करोड़ के आसपास का बिकवाली का वो फिगर निकल कर आया, लेकिन जब डीआईआईज के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं 4412 करोड़ की खरीदारी इन्होंने रजिस्टर की है। वहीं एफआईआई में एफएनओ स्पेस पर नजर डाली जाए 12446 करोड़ का वो खरीद का आंकड़ा सामने निकल कर आता है। तो कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फिगर्स हम कह सकते हैं कि संस्थागत निवेशकों की खरीदारी का सवाल है जहां तक वहां देखने को मिले हैं। अब जिस तरह के संकेत हैं जो कि मोस्टली स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, इन सब के बीच में आज हमारे मार्केट्स किस प्रकार से ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, वो कौन अहम रेंज है, निफ्टी बैंक निफ्टी में जहां आपको नजर रखनी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। बाजार की कल जिस तरह से रंगत बदली और जैसे ही सर वो दोपहर बाद क्लोजिंग से पहले खबर आई, मार्केट्स खिल गए सर, और सबके लिए बहुत राहत की बात थी। अब यूएस यूक्रेन के बीच में ये जो तनाव कम हुआ है, इस घटनाक्रम को बाजार कैसे देखने वाला है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए जब तक इसी तरह की और नई न्यूज ना आए तब तक राहत के संकेत मानकर चलेंगे, क्योंकि पुतिन साहब ने ये कहा है कि हम पीछे हटा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है और नई और आक्रामक होने के बातें भी कही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो और ज्यादा तनाव कम करने की तरफ होता है या फिर वापस से कोई खराब स्टेटमेंट आता है, अगले एक दो दिन आज और कल इन पर नजर जरूर रहेंगी। लेकिन जब तक कोई और नया डेवलपमेंट ना हो तब तक आप ये मान के चलें कि ग्लोबल मार्केट में जो एक बड़ा डर था कि एक दो दिन में ही कुछ बड़ा काम हो जाएगा, रशिया अटैक कर देगा, वो चिंता जो है वो कम हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं। और सबको लग रहा है कि शायद लड़ना नहीं चाहते। हालांकि इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जिस तरह से स्टेटमेंट है ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि कुछ से कुछ हो जाए। दूसरी तरफ ये लग रहा है न यूक्रेन चाहता है न रशिया भी बहुत ज्यादा चाहता है कि लड़ाई हो। तो बेहद इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरा ये मानना है कि क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन इस वक्त हम ये मानकर चल रहे हैं कि तनाव कम होने की पूरी पूरी संभावना और आसार है। अल्टीमेटली तो जिन दो लोगों को लड़ना है, अगर वही नहीं लड़ने को तैयार है तो फिर तीसरा लड़ाने की कोशिश भी करे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन पूरी तरह से अगले दो दिनों तक आपको फोकस इन न्यूज फ्लो पर रखना चाहिए। कभी भी किसी तरह की खबर आ सकती है, वो बाजारों को उतार चढ़ाव वोलेटाइल कर सकती है। और वोलेटाइल करने से मेरा मतलब ये है कि खराब खबर आए तो आप वापस 17,000 तक पहुंचने में भी देरी नहीं लगाएंगे, और अच्छी खबर आ जाए तो आप वापस 17,600 तक भी तुरंत पहुंच जाएंगे। तो वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हो सकता है ग्लोबल मार्केट के लिए। आप खुद देख लीजिए, न सिर्फ इक्विटी मार्केट बल्कि आप करेंसीज में देखिए, बल्कि आप कमोडिटीज में देखिए, भारी उतार चढ़ाव है तो थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, न्यूज फ्लो के हिसाब से उस पर नजर रखनी चाहिए। ओके सर, तो अभी उतार चढ़ाव वाली बात तो आपने कह दी कि वोलेटाइल सेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। रणनीति क्या होगी सर, रेंज क्या होंगे सर निफ्टी बैंक निफ्टी में? देखिए जब तक कोई खराब खबर ना है तब तक यहाँ से रिकवरी के चांस है और थोड़े और ऊपर जाने के चांस है, क्योंकि कल और परसों दो दिन बड़े मूव आए हैं। तो उस लिहाज से आज मैं जो आपको रेंज देने जा रहा हूँ नेहा, वो थोड़ी सी दूर की है, सपोर्ट के लिहाज से भी और रुकावट के लिहाज से भी। जहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा वो है 17,050 से लेकर 17,125, थोड़ी दूर की रेंज है। उससे पहले 17,201 हल्की फुल्की सपोर्ट जोन है, लेकिन 17,050 17,125 ये सपोर्ट जोन उस लिहाज से कि अगर कोई खराब स्टेटमेंट आ जाए रशिया यूक्रेन या अमेरिका किसी की तरफ से, तो बाजार वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर में 17,475 17,575 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह, इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। ये दूसरा लेवल है आपके लिए ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ जो बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 37,650 37,800। इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आता हुआ आपको नजर आएगा, और ऊपरी स्तरों पर 38,500 38,850 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है।